राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ आशा भगवती व्रत कथा पूरन पूजा विधि। बंधुओं, आशा भगवती व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आरंभ होकर 8 दिन तक चलता रहता है। बंधुओं, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीतिया अर्थात जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है और इसी दिन महालक्ष्मी व्रत भी किया जाता है और इसी दिन आशा भगवती व्रत किया जाता है। बंधुओं, कोई जीतिया व्रत करता है, कोई महालक्ष्मी व्रत करता है और कोई आशा भगवती व्रत करता है। बंधुओं, मैं अपनी इस वीडियो में आपको आशा भगवती व्रत की पूरन पूजा विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। आशा भगवती व्रत की पूजा विधि। बंधुओं, इस दिन गोबर मिट्टी से 8 कोने रसोई के लीप लें। आशा भगवती की कहानी सुनकर उन 8 कोनों पर 8 धूप, 8 रुपए, 8 रोली के छींटे, 8 मेहंदी के छींटे, 8 काजल की बिंदी, 1-1 सुहाली अर्थात मट्ठी और 1-1 फल चढ़ाएं। 8 कोनों पर दीपक लगाएं। इस प्रकार नित्य 8 दिन तक पूजा करें और कहानी सुनें। 8वें दिन 1-1 सुहाग पिटारी 8 कोनों पर चढ़ाएं। 8वें दिन 8 सुहालों का बायना निकाल कर सासू जी के पांव रखकर दे दें। यह व्रत 8 वर्ष तक करना चाहिए और 9वें वर्ष में उद्यापन कर देना चाहिए। आशा भगवती व्रत कथा। हिमाचल में एक राजा था, उसके 2 पुत्रियां थीं, उनका नाम गोरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती पहनती हो? पार्वती ने कहा, पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती और पहनती हूँ। परंतु गोरा ने कहा, मैं आपके भाग्य का खाती पहनती हूँ। यह सुनकर राजा ने गोरा का विवाह एक राज परिवार के युवक से कर दिया और पार्वती का विवाह रास्ते में भिखारी रूप धारण किए शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। रास्ते में पार्वती जी का जहां भी पैर पड़ता वहां की घास जल जाती। शिवजी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहां भी पार्वती जी पैर रखती हैं वहां की दूब भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि ये अपने मायके जाकर आशा भगवती का व्रत उजमन करें तो ये दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में इन्होंने देखा एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांध दो। शिवजी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा एक घोड़े के बच्चा हो रहा है। इसका भी कष्ट देकर पार्वती ने अपनी कोख बंद करने की हट पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती जी की कोख को बंद कर दिया। इसके बाद वे आगे चले। पार्वती की बहन गोरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गई। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भगवती का उजमन कर रही थी। यह देखकर पार्वती जी बोली, मेरे उजमन की कोई तैयारी नहीं है,
नहीं तो मैं भी उजमन कर देती। तब भाभियां बोली, तुम्हें क्या कमी है, तुम शिवजी से कहो, वह सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से उजमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा, यह अंगूठी ले लो, इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से उजमन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दी। यह सब देखकर पार्वती की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उजमन की तैयारी कर रही थी, तब जाकर सामान तैयार कर सकी हैं, और तुमने थोड़ी सी देर में ही पूरी तैयारी कर ली। सब ने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उजमन किया। शिव जी ने पार्वती से घर चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। राजा ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन, अनेक प्रकार की मिठाई खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे, पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह दिया था, परंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने खाते खाते रसोई की सब वस्तुएं समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती जी ने वही सब्जी खाकर पानी पीकर पति के साथ घर के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती जी बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल एक थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी, तुम वही सब्जी और पानी पीकर आ रही हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने मेरी सारी पोल खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो धूप सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा, पार्वती का दोष तो मिट गया। आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा, वही रानी कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी ने पूछा, महाराज, यह क्या हो रहा है? शिव जी बोले, यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी, अब इसके लड़का हुआ है, इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज, मेरी भी कोख खोल दें। शिव जी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुम हट करती रही। इस पर पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हट देखकर शिव जी ने पार्वती के मैल से गणेश जी को बनाया। पार्वती जी ने बहुत सारे नेक चार किए और कुआं पूजा। पार्वती जी कहने लगी, मैं तो सुहाग बांटूंगी। सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, परंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया। इस व्रत व उज्जवल को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। बोलो माँ पार्वती की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आपको हमारी आशा भगवती की कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।